So, hello dear students, welcome to my YouTube channel. Very good morning to all of you. In today's session, I am going to discuss chemical thermodynamics chapter, especially for BSc second semester CBCS chemistry students. So, in today's session, we will learn about the entropy, basic concept of entropy, change in entropies for reversible and irreversible processes. So, what is the spontaneous process and what are the driving force which cause a process to be spontaneous? ठीक है, तो आज का सेशन हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एंट्रोपी क्या होता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ठीक है, सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमें ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जस्ट थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोडेड किया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स प्ले यूनिट में प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मानते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, हाउएवर इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. थर्ड स्टेटमेंट कह सकते हैं, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इंटू हीट और हीट इंटू वर्क, दैट इज हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. यही प्रॉब्लम था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसीलिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी. ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता था सिंपली कि अगर किसी सिस्टम को हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो वो क्या करेगा, दो काम करेगा, एक अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा. ठीक है, इंटरनल एनर्जी जिसको ई भी हम लिखते हैं या यू से भी लिखते हैं, और दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, बाकी वो वर्क करने में खर्च करेगा, टोटल एनर्जी जो होगी वो रिमेंस अनचेंज या कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कहता था कि किसी सिस्टम को अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो वो दो काम करेगा, एक अपनी इंटरनल एनर्जी में सेव करेगा और बाकी वर्क करने में खर्च करेगा. फॉर एग्जाम्पल जो भी हम भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, वहां से कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम इंटरनल एनर्जी के रूप में सेव करते हैं और कुछ वर्क करने में खर्च करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसका हमने स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी, ठीक है, इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, चलिए लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी आखिर क्या बात थी कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी. ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट, द लॉ डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल. इसका कोई जवाब नहीं था फर्स्ट लॉ के पास. सो दो टर्म इसमें यूज किया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इररिवर्सिबल प्रोसेस. चलिए इररिवर्सिबल को क्या बोलते हैं, जस्ट सपोज आप क्या ए को बी में चेंज करिए बट बी को ए में चेंज नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं इररिवर्सिबल, जो यूनि डायरेक्शनल होते हैं एक वर्ड में. सो इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, वो प्रोसेस द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, उसको बोलते हैं इररिवर्सिबल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी, कोल्ड से हॉट की तरफ हीट आता है, नहीं आता है. आप गर्म चाय रखिए टेबल पे, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ठंडी हो जाएगी, उसको हम फ्रिज में नहीं रखते हैं ठंडा करने के लिए. ठीक है ना, तो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर, कोल्ड से हॉट की तरफ हीट नहीं आता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस. और दूसरा स्पॉन्टेनियस, वो जस्ट लेट अ वाइल आगे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट लॉ हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताता. सेकेंड लिमिटेशन क्या था, द फर्स्ट लॉ डज नॉट कंट्राडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हीट इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी और सेल्फ एक्टिंग मशीन्स. फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यस यू कैन गेट द 100% एफिशिएंट मशीन, बट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अभी तक ये कहते हैं टेल्स दैट सच हीट इंजन एंड मशीन्स आर नॉट पॉसिबल, नॉट अटेंडेबल इन प्रैक्टिस. हम प्रैक्टिस में अभी तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जिसकी एफिशिएंसी 100% है. ठीक है, अब इसके लिए हम एक कर्नाट साइकिल पढ़ते हैं, ईटा इक्वल टू फॉर्मूला देते हैं 1 - T2/T1. देखिए 1 - T2/T1 है, T2/T1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो ऑब्वियसली ईटा इज लेस देन 1. द कर्नाट एफिशिएंसी साइकिल की, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का. ठीक है, या फिजिक्स में भी पढ़ते हैं.
ठीक है। थर्ड ये कहता है, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अनदर फॉर्म, यस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बट इट डज नॉट टेल दैट द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। ये इस बात को कंट्राडिक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि हीट को आप वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, और फर्स्ट लॉ सिंपली क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। द लॉ डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन, यस यूनि डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल, इन विच फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ये हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। द लॉ फेल्स टू आंसर व्हाई हीट एनर्जी डज नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड वाटर सिस्टम टू हॉट सिस्टम, दो through the energy is converted in this way also। भाई तो आप खुद कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट हीट को भी यहाँ पे क्या है कि कोल्ड हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा, बट कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं आता है, जिसका आंसर फर्स्ट लॉ के पास नहीं था। सो मेनली अगर हम कहें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिमिटेशंस, तो ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता है, स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया नहीं बताता है, और किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% क्योर नहीं होगी, इसका आंसर फर्स्ट लॉ के पास नहीं था, इसलिए हमें एक दूसरे लॉ की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, ठीक क्लियर। सो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से लिमिटेशंस। अब हम बढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ, उसके पहले एक टर्म आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि इस पूरे थर्मोडायनेमिक चैप्टर में सेकेंड लॉ में की हम बात करेंगे, तो ये टर्म आएगा बार बार, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस इसको हिंदी बोलते हैं स्वतः, ठीक है ना। सो प्रोसेस विच प्रोसीड्स ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड, अपने बल होते हैं जिसको बोलते हैं ना, ड्यू टू ऑन अकॉर्ड, यस आई कैन डू वन, ठीक है। सो प्रोसेस विच प्रोसीड्स ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड, स्वतः अपने आप, without any outside assistance, without any external help assistance, is termed as known as spontaneous processes। so spontaneous का मतलब क्या समझे, कि वह process जो अपने आप होता है, without any external help, without any outside assistance, due to on accord, तो इसको बोलते हैं spontaneous, अपने आप स्वतः। such processes are irreversible in nature, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है मतलब स्पॉन्टेनियस है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, नेचर के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम से कभी पानी अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, यस जाता है, लेकिन किससे, जब हम उसको मोटर से खींचते हैं ना, पाइप से मोटर चला के खींचेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प वाटर कैन नॉट फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं आता है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैस, ये भी क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, आप डीओ लगाइए पहले आपको स्मेल आएगी, उसके बाद जितने भी आसपास हैं सबको स्मेल आएगी, चाहे आप कितना भी नाक में रोई लगा लीजिए, ठीक है। सो डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, करेंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये सब जो प्रोसेसेस हैं जो अपने आप होती हैं उसको बोलते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस, क्लियर। वंस दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैज ऑकर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट विल नेवर टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो इसको समझने के लिए भाई जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टॉप है, ठीक है, यहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा रखा आपने और एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ रखा है, ठीक है। अब कहे आपसे कि इस पत्थर के टुकड़े को अपने आप उठा के यहाँ कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम उसको पुली से खींच के ऊपर ना ले जाए, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प असिस्टेंस ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए ये टॉप पे है, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, नीचे डाउन की तरफ आसानी से आ जाएगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस, बट नीचे से अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इररिवर्सिबल। वन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैज ऑकर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट विल नेवर टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है।
इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल इन नेचर. ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं. सो सम एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर, तो सीधा सीधा एग्जांपल, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस. एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इनटू वैक्यूम ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली अंटिल द दोनों साइड में बराबर ना हो जाएगा. हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टेंपरेचर बॉडी टू लो टेंपरेचर बॉडी फ्रॉम हॉटर टू colder until there is a thermal equilibrium. Diffusion of solid particles from a concentrated solution into pure solvent or low concentration. Yes, osmotic पढ़ते हैं. Osmotic में उल्टा होता है, but उसके लिए हमें एक membrane चाहिए, semi-permeable membrane. Without semi-permeable membrane, no osmosis can take place. But diffusion के लिए हमें किसी membrane की जरूरत नहीं है. ये एक spontaneous process है. पानी आप गिराइए, automatic वो flow करेगा from higher gradient to lower ग्रेडियंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर प्रोड्यूसेस हीट, बट हीट से हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता. वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल. पानी हमेशा टॉप से बॉटम पे आएगा, बॉटम से टॉप पे नहीं आएगा अंटिल अनलेस जब तक हम उसको मोटर या पाइप से ना खींचे. क्लियर? सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स द प्रोसेसेस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू ऑन अकॉर्ड या बिकॉज ऑफ ऑन अकॉर्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. किसी हेल्प की जरूरत नहीं है उसको स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल इन नेचर. एग्जाम्पल ऑल नेचुरल प्रोसेसेस. सीधे सीधे एक लाइन. ठीक है, अब यहां में कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों होता है या वट आर द ड्राइविंग फोर्सेज, ड्राइविंग फोर्स फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो इसका जवाब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास नहीं था. The force which is responsible for the spontaneity of a process is called the driving force. कोई ना कोई कारण होगा, उसको रीजन होगा कि वो उसको spontaneity की तरफ ले जा रहा है. The spontaneous processes occur because of two tendencies. तो दो tendencies है जिसके नाते कोई process spontaneous होता है. First कहते हैं tendency of a system to be achieve a state of minimum energy. So, ये नेचुरल बेसिक साइंस का एक रूल है कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. ठीक है, तो ये अगर मान ली कोई सिस्टम अगर यहाँ में है, जी यहाँ में अगर है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम. अगर यहाँ टॉप पे है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी क्या है. ठीक है, तो आप अगर टॉप पे है तो इधर डर हमेशा बना रहेगा कि कभी इधर गिरेंगे या इधर गिरेंगे. ठीक है ना, बट जो ग्राउंड लेवल पे हैं, जो नीचे में है, उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है. वो हाथ पर फैला के आराम से सो सकते हैं, बट जो टॉप में है उनको डर है कि अगर कहीं पैर इधर थोड़ा भी स्लिप हुआ तो हम नीचे आ जाएंगे. ठीक है, तो जिनकी एनर्जेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा, मोस्ट एनर्जेटिक लेस स्टेबल, लेस एनर्जी मोस्ट स्टेबल. ठीक है, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो भी सिस्टम है इस यूनिवर्स का, दे ट्राई टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी. इसको सरफेस टेंशन में भी हम पढ़ते हैं कि वाटर की ड्रॉपलेट्स कितनी भी छोटी क्यों ना, वो स्फेरिकल होता है. ठीक है, सो जो भी सिस्टम है वो क्या टेंडेंसी ऑक्यूपाई करता है, वो टू अचीव ए स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, स्टेबिलिटी चाहता है. हर कोई इस यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहता है. एंड सेकेंड, टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू अचीव ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस. फ्रीडम चाहता है, लाइबिलिटी चाहता है, मैक्सिमम रैंडमनेस चाहता है. ठीक है, it should be noted that these tendencies are independent of each other, both may be act in the same or opposite direction. इसी को जब आगे पढ़ेंगे मिनिमम एनर्जी, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिखते हैं कि डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव. डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा. जिसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा वो जनरली स्पॉन्टेनियस होता है. और आगे पढ़ेंगे रैंडमनेस अभी जस्ट थोड़ी देर में, एंट्रोपी. तो हम ये कहते हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव. अगर जिसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब जो अपना डिसऑर्डरनेस को बढ़ा रहा है वो स्पॉन्टेनियस होगा. ठीक है, सो व्हेन एंथैल्पी फैक्टर इज एब्सेंट देन रैंडमनेस फैक्टर, मतलब एंट्रोपी के टर्म में हम डिफाइन करेंगे. व्हेन रैंडमनेस फैक्टर इज एब्सेंट देन एंथैल्पी के टर्म में डिटरमाइन करेंगे. तो स्पॉन्टेनिटी हम डेल्टा जी के टर्म में भी आगे भी पढ़ते रहेंगे. ठीक है, सो स्पॉन्टेनियस क्यों होता है कोई भी प्रोसेस, तो वो अपने एनर्जी को मिनिमम स्टेट में ले जाना चाहता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है,
और अपनी रैंडमनेस को बढ़ाना चाहता है, डिसऑर्डरनेस चाहता है, फ्रीडम चाहता है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस वेदर ए गिवन प्रोसेस कैन ऑकर स्पॉन्टेनिटी एंड टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स टू कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क इन ए गिवन प्रोसेस, क्योंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम ये नहीं कर सकते थे, या इसका रीजन नहीं था हमारे पास, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, व्हाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है, बट किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं था, उसका रीजन फर्स्ट लॉ के पास नहीं था, ठीक है। इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि ये कितना मैक्सिमम फ्रैक्शन हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट को वर्क में, ठीक है। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाइक फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इज ए पोस्टुलेट एंड हैज नॉट बीन डिराइव्ड फ्रॉम एनी प्रायर कॉन्सेप्ट, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये हमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ इनका नहीं है, दीज आर जस्ट सिंपली पोस्टुलेट्स। This law states that work can always be completely converted into heat, but heat cannot be completely converted into work without leaving a permanent change in the system or surroundings. So 100% conversion of heat into work is not possible. Okay? Only a fraction of heat can be converted into useful work and the rest remains unavailable and unconverted. तो कुछ फ्रैक्शन है, कुछ फ्रैक्शन ही हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100% कन्वर्जन हीट का वर्क में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। सो दिस मींस दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, लेकिन ये रिमार्क इसका, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बाय एनी प्रोसेस, ठीक है। सो हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हीट इनटू कन्वर्टेड इनटू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट हीट, सॉरी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बाय एनी प्रोसेस। तो दिस इज सिंपली की नोट्स ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बट बहुत लोगों ने इट कैन बी स्टेटेड इन वेरियस फॉर्म्स हैविंग द सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग है, बट इसको हम कई तरीके से स्टेटमेंट इसका दे सकते हैं। इस अकॉर्डिंग टू क्रेसियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन दैट इज एबल टू कन्वे हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर एट हायर टेम्परेचर, मतलब हीट हमेशा क्या होगा, हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू थॉमसन स्टेटमेंट या थॉमसन, द हीट ऑफ द कोल्डेस्ट बॉडी अमॉन्ग दोज पार्टिसिपेटिंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस कैन नॉट सर्व एज ए सोर्स ऑफ वर्क। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन विच ऑपरेटिंग इन ए कंप्लीट साइकिल विल एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए सिंगल बॉडी एंड कन्वर्ट द होल ऑफ इट इनटू वर्क। तो इसी को कैनॉट ने फॉर्मूला दिया था, सो इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड हीट इंजन ऑफ 100% थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है, हमेशा कोई इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी क्या 100% हो, ठीक है, मतलब आप 100 किलो जूल का हीट देते हैं तो उससे आपको 100 किलो जूल का वर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। लॉन्गविंग वोल्ट्जमैन स्टेटमेंट, सो नेचर टेंड्स टू पास फ्रॉम ए लेस प्रोबेबल टू मोर प्रोबेबल स्टेट, दैट इज द मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस, ठीक है, जो सेकेंड ड्राइविंग फोर्स था। तो अब यहाँ पे वही रीजन है कि नेचर के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस क्यों होते हैं, क्यों इरिवर्सिबल होते हैं, तो उसके लिए देखा गया उनकी एंट्रोपी बढ़ती है, जब एंट्रोपी बढ़ेगा तो वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएगा, इसलिए नेचर टेंड्स टू पास फ्रॉम ए लेस प्रोबेबल टू मोर प्रोबेबल स्टेट, मतलब लेस डिसऑर्डरनेस टू मोर डिसऑर्डरनेस। All the natural and spontaneous processes take place in one direction only and cannot be reversed. So all the natural processes are spontaneous and irreversible. ठीक है, पहले बोला आपको irreversible के लिए क्या होता है, मतलब जो सिर्फ एक ही direction में होता है, ठीक है, तो जितने भी nature के processes हैं वो सब क्या होते हैं, spontaneous होते हैं और irreversible होते हैं।
So these are the some statements of the second law of thermodynamics. But मोटा मोटी ओवरऑल क्या है नटसेल, तो दो चीजें हैं कि 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई इंजन नहीं बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100% हो, ठीक है। हीट हमेशा क्या हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं आएगा। और जितने भी इस यूनिवर्स के प्रोसेस हैं वो सब क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना। इरिवर्सिबल मतलब दैट कैन नॉट बी रिवर्स देयर डायरेक्शन, ठीक है। अब इंतजार की घड़ी खत्म, आता है आपका एंट्रोपी जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एंट्रोपी इट इज डिनोटेड एज कैपिटल एस। सो एंट्रोपी में भी डिफाइंड एज एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी व्हिच इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। जहां भी एंट्रोपी आपके नाम सुनते हैं तुरंत दिमाग में क्या आता है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। सो एंट्रोपी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इज ए थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी व्हिच गिव्स एन आइडिया अबाउट द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम या रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल एस। द एक्चुअल एंट्रोपी किसी सिस्टम का हम नहीं निकाल सकते, वैसे भी थर्मोडायनेमिक समय किसी सिस्टम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, सिर्फ चेंज बताता है। मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, सो एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम मे बी डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग हीट एक्सचेंज दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कर्नोट ने जब अपनी साइकिल को डिफाइन किया था तो वहां से उन्होंने इसको टर्म पाया था, ठीक है। सो डेल एक्स डी एस 1 बाय टी डेल क्यू रिवर्सिबल, और सबको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मैथमेटिकल टर्म में एंट्रोपी को क्या डिफाइन करते हैं, डेल एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये क्यू बाय टी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर में आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है, जितना किसी सिस्टम को हम हीट चेंज करते हैं डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज नोन एज डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। सिंस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन देयरफॉर एनी इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन इट्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज डेल एस डी एस, and ds is given as dq reversible by dp, ये formula हम use करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से just try to understand कि इसमें actually ये है क्या। तो देखिए, अब जैसे पहले कहा कि अगर हम किसी system को q amount of heat देंगे तो ideal condition में वो दो काम करता है, अपनी internal energy को change करेगा, change in internal energy, और दूसरा काम करेगा क्या, बचा कुचा जो होगा वो कार्य करने में खर्च करेगा, work done, ठीक है। अब किसी सिस्टम को जब हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो सेकेंड लॉ ये कहता है, देखिए इन दोनों को अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्यू कितना जाएगा, क्यू इक्वल टू टी इंटू डेल एस, ठीक है, टेम्परेचर इंटू चेंज इन एंट्रोपी। तो अब यहां से ये कि किसी सिस्टम को अगर हम 100 किलो जूल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, सो जस्ट ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर 100 किलो जूल एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें से वो क्या करेगा, कुछ हिस्सा वो अपने एंट्रोपी को बढ़ाने में खर्च कर देगा। जिस टेम्परेचर पे आप हीट दे रहे हैं दैट इज टी, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से डी क्यू 2% 4% 5% 10% वो अपने एंट्रोपी को बढ़ाने में खर्च कर देगा, उससे उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। और जो फ्रैक्शन यहाँ में एंट्रोपी को बढ़ाने में खर्च हो गया दैट इज वापस फिर हमको नहीं मिलेगा, सो दैट अमाउंट दैट फ्रैक्शन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है। सो दैट इज व्हाई 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट देंगे किसी टेम्परेचर पे तो उसमें से कुछ अमाउंट वो क्या करेगा, अपने एंट्रोपी को बढ़ाने में खर्च करेगा, वो खर्च होगा ही होगा, वो एंट्रोपी उसकी बढ़ेगी। तो जो अमाउंट वो खर्च कर दिया एंट्रोपी को बढ़ाने में फिर वो वर्क में कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंट्रोपी का मतलब क्या है। सो एंट्रोपी हमें क्या बताता है, दो चीज बताता है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, एंड सेकेंड अमाउंट ऑफ या अनअवेलेबल एनर्जी। सो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है।
यूनिट्स तो एंट्रोपी चेंज इज एक्सप्रेस बाय हीट टर्म डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, कैलोरीज पर डिग्री और कैलोरी पर केल्विन, या एनर्जी को हम जूल पर केल्विन में भी लिख सकते हैं, या कैलोरी केल्विन इनवर्स पर मोल के लिए अगर डिफाइन करेंगे तो, या जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सो जो भी आप एनर्जी की यूनिट लीजिए, केल्विन लीजिए, जूल लीजिए, ठीक है। सो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स अगर वन मोल के लिए डिफाइन करेंगे तो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी, सो एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, तो ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्टेट फंक्शन होता है जो क्या होता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ वेज, ठीक है, बाय विच सिस्टम इज अंडरगोइंग ए चेंज, ठीक है। सो इट इज ए स्टेट फंक्शन, ये सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल। एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जो भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, एंट्रोपी, इंटरनल एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एल्मोर्ट फ्री एनर्जी, वो सब क्या है, एक्सटेंसिव होते हैं। एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल, मतलब जितना ज्यादा अमाउंट लेंगे उतनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम, या इट कैन बी एडिटिव, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव है, ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी में भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। थर्ड, फॉर ए गिवन सब्सटेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज द लोएस्ट एंट्रोपी, द गैसियस स्टेट हैज हाईएस्ट एंट्रोपी। तब आपसे कंपेयर पूछा जाए किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, गैस की, लिक्विड की, या सॉलिड की, तो नो डाउट सॉलिड में क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, कहते हैं ना, इनका डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट सेम, थर्मल एनर्जी सबसे कम होती है। बट गैस के केस में क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स सबसे वीक होता है, थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसका होगा, डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस में उससे कम, लिक्विड में सबसे कम, सॉलिड में, ठीक है। सो एंट्रोपी ऑफ गैस ज्यादा होगा किससे, लिक्विड से, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड ज्यादा होगी एंट्रोपी ऑफ सॉलिड से, ठीक है। सो गैस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड, सबसे कम सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट। देन गैस एट लोअर प्रेशर हैज ग्रेटर रैंडमनेस देन एट हाई प्रेशर, means entropy, what is the effect of pressure on entropy, pressure का entropy पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए। तो pressure अगर हम बढ़ाएंगे, तो suppose pressure अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, volume घटेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना compression, ठीक है, valves का pressure बढ़ाने से volume घटता है at constant temperature, so ज्यादा pressure बढ़ाने का मतलब उसको compress कर रहे हैं, compress कर रहे हैं मतलब volume कम हो रहा है, volume कम होगा तो डिसऑर्डरनेस क्या होगा, घटेगा, उसको स्पेस कम मिलेगा मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए लोअर प्रेशर में क्या होती है, रैंडमनेस ज्यादा होती है, मतलब एंट्रोपी ज्यादा होती है, देन एट हाई प्रेशर, ठीक है, मतलब एंट्रोपी डिक्रीजेस विद प्रेशर। एंट्रोपी और प्रेशर में क्या रिलेशन है, एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी घटेगा, क्लियर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंट्रोपी, सो एंट्रोपी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, सो दस मॉलिक्यूल्स एट हायर टेम्परेचर हैव ग्रेटर रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस एट द सेम, ठीक है, एट द सेम प्रेशर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने के साथ घटेगा, ठीक है। सो एंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स और सबलाइम्स और डिकम्पोज टू गिव वन और मोर गैसेज और ए लिक्विड इवोपरेट्स, मतलब अगर हम किसी सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगा, सॉलिड में एंट्रोपी कम होगा, लिक्विड में एंट्रोपी ज्यादा होगा, तो सॉलिड से अगर लिक्विड जा रहा है दैट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, इसलिए स्पॉन्टेनियस है, आप फ्रीजर से आइस स्प्रे को बाहर निकाल के रख टेबल पर रख दीजिए, ऑटोमेटिक वो मेल्ट करता है, उसको हम गैस पे गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, लिक्विड से गैस में जाएंगे इवोपरेशन वेपराइजेशन, तो लिक्विड से ज्यादा एंट्रोपी किसका है, गैस का है, तो गैस में एंट्रोपी ज्यादा है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है।
It also increases when the number of molecules of products is greater than the number of molecules of reactant in the reaction. तो जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा, ठीक है। इसको हम जो जैसे इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, केपी केसी में रिलेशन निकालते हैं, तो वहां में कहते हैं कि अगर ये डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डेल्टा एन इज पॉजिटिव तो उस केस में एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट घट रहा है तो उसकी एंट्रोपी नेगेटिव होगी। जैसे 2SO3 SO2 plus O2, इस रिएक्शन का डेल्टा एन निकालिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन निकाले तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, 2 + 1 = 3, यहाँ में कितने 3 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ गया 1, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हो गए 3, रिएक्टेंट में कितने हो गए 2, तो गैसियस नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से तो एंट्रोपी बढ़ेगा। बट यहाँ में क्या है 1 + 1 = 2, यहाँ में कितने हैं 1, तो 1 मोल, यहाँ से 1 मोल लिया, आप यहाँ में 2 मोल्स मतलब 2 वॉल्यूम, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है तो एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है। सो प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे बढ़ेगा, लिक्विड से गैस में जाएंगे बढ़ेगा, छोटा कर दीजिए घटेगा। नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अगर घटेगा तो घटेगा, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे एक सैंपल प्रॉब्लम, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस डिक्रीजेस। तो बस सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू अ सॉलिड, इस प्रोसेस के लिए लिक्विड से क्रिस्टलाइज कर रहे हैं इसको सॉलिड में, इसका डेल्टा एस क्या होगा, ठीक है। तो अभी पीछे डिस्कस किया गैसियस फॉर्म में ज्यादा होगा, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। तो लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, सो नो डाउट लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा है, तो हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, इसके डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजेज, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कर लीजिए, H2 गैस से 2H गैस, यहाँ में क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यहाँ में 1 था, यहाँ में कितने हो गए 2, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एंट्रोपी, H2 at 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही हाइड्रोजन 298 केल्विन बट यहाँ में क्या कर दिया 10 एटमॉस्फेयर, इसके लिए एंट्रोपी क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए टेम्परेचर यहाँ में कांस्टेंट है, प्रेशर को चेंज कर रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बता दीजिए आप क्या होगा, H2 at 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H2 at 330 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहाँ में प्रेशर को सेम रखा, टेम्परेचर को चेंज कर लिया, तो टेम्परेचर का इफेक्ट एंट्रोपी पे, ठीक है, बताएगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब हमने यहाँ में दो लॉ पढ़ा, एक पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा पढ़ लिया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन ओनली प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज कंसीडर्ड, डब्ल्यू की जगह पे क्या लेंगे, -PdV, ठीक है। तो वहां में क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू चेंज इन हीट, कितना सिस्टम को दे रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन, सो D इक्वल टू -W, और W की जगह पे क्या लिखेंगे, PdVA, वर्क ऑफ एक्सपेंशन मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो D प्लस PdVA, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, DQ इक्वल टू D प्लस PdVA, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, तो TS की जगह पे क्या लिखेंगे, Q रिवर्सिबल बाय T, और Q इक्वल टू TdS मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए फर्स्ट लॉ से यहाँ चेंज इन हीट dQ, ठीक है, और वही dQ किसके बराबर है, TdS, तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, TdS इक्वल टू D प्लस PdV, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं TdS इक्वेशन। तो जब आगे थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट इस सिलेबस का, तो हम इसको यूज करेंगे।
TDS इक्वल टू DE प्लस BD, इसलिए आप याद रखिए तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, और DE इक्वल टू TDS माइनस PdV, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप एंड रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सेवरल अदर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। सो गिब्स एल्मोर्ट इक्वेशन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, गिब्स क्यूएम इक्वेशन वगैरह, तो हम इसको क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन तो इसको यूज करेंगे, मैक्सवेल रिलेशंस तो वहां भी यूज करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ dQ इक्वल टू dE प्लस PdV, सेकंड लॉ dQ इक्वल टू TdS, dQ dQ बराबर कर दीजिए तो यहां से मिल जाएगा TdS इक्वल टू dE प्लस PdV। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, तो ये इक्वेशन बताएगा TdS इक्वल टू dE प्लस PdV, ये मेरे फर्स्ट और सेकंड लॉ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन इनथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इनथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन H इक्वल टू E प्लस PV, पढ़ चुके हैं। इनथैल्पी कहने का मतलब टोटल हीट कंटेंट इन ए सिस्टम, ये इनथैल्पी वर्ड से बना हुआ है। इसमें दो वर्ड आता है इंटरनल प्लस P इनटू V, दैट इज एक्सटर्नल वर्ड, ठीक है। फिर चेंज इन इनथैल्पी, ये भी स्टेट फंक्शन है, तो dH इक्वल टू dE प्लस PdV प्लस VdP, क्लियर। और dE इक्वल टू TdS माइनस PdV, ये कहां से आ गया, यहां से आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। दिस TdS इक्वल टू dE प्लस PdV, तो dE इक्वल टू क्या ले सकते हैं TdS माइनस PdV, इसको उठा के आप यहां रख दीजिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू को यहां डाल दीजिए, तो dE की जगह पे क्या लिखेंगे TdS माइनस PdV प्लस PdV, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया dH इक्वल टू TdS प्लस VdP, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंथैल्पी एंड एंट्रोपी, और ये इसके पहले क्या था, ये वाला रिलेशन क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जिसमें दोनों को चेंज कर सकते हैं, ए टू बी मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। अब इसमें दो केस लेते हैं, फर्स्ट व्हेन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस द सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट क्यू फ्रॉम सराउंडिंग्स एट टेम्परेचर टी। तो सिस्टम क्या हो रहा है, जैसे सपोज एक सिस्टम यहां पे लेते हैं और ये सराउंडिंग है, तो इसमें ये अज्यूम किया हुआ है कि सिस्टम जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना हीट ले रहा है, क्यू अमाउंट का, इसका भी टेम्परेचर टी है, इसका भी टेम्परेचर टी है, ठीक है। सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इसने हीट लिया, ठीक है, जब हीट लिया तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, क्यू बाई टी, ठीक है। On the other hand, surroundings lose the same amount of heat at the same temperature. तो जब surrounding से heat निकल रहा है, मतलब उसकी entropy घटेगा, तो delta surrounding क्या लिखेंगे, minus Q by T, equation number 2. हमें क्या निकालना है, in process. तो thermodynamics में process का मतलब क्या होता है, system plus surrounding. So delta S process equal to system के लिए कितना आपको मिला, Q by T, surrounding के लिए कितना आया, minus Q by T, add करिए, टोटल क्या मिल गया, जीरो, ठीक है। सो ये डेरिवेशन आपको आरजीए एग्जाम में पूछता है, वहां में लिखा रहेगा किस कंडीशन में निकालना है। सो व्हेन प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, सो एज्यूम कर लीजिए कि सिस्टम अमाउंट क्यू अमाउंट को हीट ले रहा है, जब सिस्टम ले रहा है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू बाई टी, सराउंडिंग से हीट रिलीज हो रहा है, जा रहा है सिस्टम में, इसकी एंट्रोपी घटेगी, सो डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा सराउंडिंग माइनस क्यू बाई टी, ठीक है। प्रोसेस की बात करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग कितना मिल गया, जीरो, ठीक है। तो ये किस में आया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिर व्हेन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हैं, जब क्यू इक्वल टू जीरो, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, तो जब क्यू जीरो है तो एंट्रोपी क्या हो गया, जीरो, सिस्टम के लिए भी और सराउंडिंग के लिए भी, तो रिवर्सिबल प्रोसेस
किस कंडीशन में? एडियाबेटिक में। तो क्या आ गया? डेल्टा एस जीरो। ठीक है, सेकेंड केस इनरिवर्सिबल प्रोसेस। सो लेट द सिस्टम बी एट हायर टेम्परेचर टी वन एंड इट सराउंडिंग एट लोअर टेम्परेचर टी टू। ए क्वांटिटी ऑफ हीट से क्यू पासेस इनरिवर्सिबली फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। यहां में मान लिया कि एक सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। ठीक है, अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है? सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में इनरिवर्सिबली जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सिस्टम से जब हीट जा रहा है तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? घटेगी। सो डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस क्यू बाई टी वन, क्योंकि टी वन टेम्परेचर पे है। सराउंडिंग में गया तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, नो प्रॉब्लम। तो प्लस क्यू बाई टी टू। चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग करेंगे जैसे पीछे किया, तो प्रोसेस सिस्टम का कितना आया? माइनस क्यू बाई टी वन। सराउंडिंग कितना आया? प्लस क्यू बाई टी टू। क्यू कॉमन कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, टी वन टी टू, यहां से मिल गया टी वन माइनस टी टू। क्लियर? अब यहां पे हमने क्या अज्यूम किया था कि लेट द सिस्टम बी एट हायर टेम्परेचर टी वन, सो टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, सो टी वन माइनस टी टू डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। दस डेल्टा एस प्रोसेस इज पॉजिटिव। वाई? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव, टी वन माइनस टी टू इज पॉजिटिव, टी वन टी टू पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा एस प्रोसेस पॉजिटिव, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन जीरो। सो हेंस एंट्रोपी इंक्रीजेज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। तो मैंने क्वेश्चन आपको भेज किया था पीछे कि व्हाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, या ऐसा नेचर में क्या है जिससे जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो उसका जवाब यहाँ हमें मिल गया। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन में दिखता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, कमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट। तो आपको ये मैथमेटिक्स यहाँ से निकाल के दिखाना है। ठीक है, क्लियर? सो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या कंडीशन आया? डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव। एंड सिस्टम से सराउंडिंग में मान लीजिए जितना अमाउंट जाएगा उतना डिक्रीज होगा, मतलब माइनस क्यू बाई टी वन एंट्रोपी, सिस्टम सराउंडिंग में जा रहा है मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, प्लस क्यू बाई टी टू। प्रोसेस के लिए निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्यू को कॉमन कर लिया, टी वन माइनस टी टू बाई टी वन टी टू। हमने अज्यूम किया था कि सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर, सो टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, डिफरेंस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सो कंक्लूजन, सो नेचुरल प्रोसेस इन यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल, दैट इज स्पॉन्टेनियस। व्हाई? बिकॉज डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, सो दिस इज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉन्स्टेंट, दैट इज डेल्टा एस रिवर्सिबल इक्वल टू जीरो। ठीक है, आइदर इन आइसोथर्मल और इन एडियाबेटिक। सो दोनों को मिला दीजिए, एक वर्ड में क्या आ गया? कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए। अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है, और इक्वल टू जीरो, दैट इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये था आज का सेशन आपका। सो इसमें हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी उसको देखा, लिमिटेशंस क्या थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की उसको देखा, एंट्रोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से घटेगा, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो यहाँ से भी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा है। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी तो उसका सिर्फ एक पार्ट देखा है हमें, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, सो रिवर्सिबल प्रोसेसेस में आइसोथर्मल तो भी जीरो, एडियाबेटिक तो भी जीरो, इरिवर्सिबल होगा तो ग्रेटर देन जीरो मतलब स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते हैं आरजीयू एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यहाँ से इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो हमें एंट्रोपी का न्यूमेरिकल्स कैसे पूछा जाता है डिफरेंट फेजेस चेंजेस में, इन टर्म्स ऑफ पीवीटी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर एंड स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी पढ़ेंगे, तब फिर वहां से स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया आएंगे। ठीक है,
सो थर्मोडायनेमिक्स का ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट देखिए, वहां में वीडियो है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके पहले जो है आपको वर्क 10 वाला, तो वहां से आपको न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी अपकमिंग वीडियोज होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो वीडियो को देखिए, रोली जाइए, ठीक है। जो पॉइंट्स में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, समझ में आया नहीं आया। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।